नंगल दे करीबी पिंड भलड़ी के लागे सुआन नदी के उत्ते दोवें पासे दीआं पंचायतां ते स्थानक वसनीकां वलों आपसी सहयोग दे नाल एक आरजी पुल बनाया जांदा है जो इन्हां लोकां दे लई काफ़ी सहायक सिद्ध हुंदा है। इस पुल के ना होने के चलदियां लोगों नूं 20 तों 25 किलोमीटर का वाधू सफ़र तय करके अपनी मंजिलां ते पहुँचना पैंदा है ते हिमाचल प्रदेश का बार्डर भी लंघ के जाना पैंदा है। हर साल बरसात खत्म होने तो बाद यह आरजी पुल रख्या जाता है जो कि पिछले सितंबर महीने रख्या गया सी पर सुआ नदी दे विच तेज़ पानी आ जाण दे चलदा यह पुल पानी दे विच बह गया जिस नाल इन्हां लोकां दा काफ़ी नुकसान हो गया ते यह राह भी आवाजाई दे लई बंद हो गया। अपनी मजबूरी नूं देखदा एक बार फिर पानी घटण तो बाद स्थानक वसनीकां वलों इस पुल नूं दुबारा पाया गया है ते यह पुल हुण आवाजाई दे लई शुरू हो चुका है। लखां रुपए की लागत न बनने वाले इस पुल के लिए हर साल लोग आपसी सहयोग के नाल ही पैसा इकट्ठा करते हैं तो बड़ी मेहनत और मुशक्कत के नाल दो तो तीन दिन लगा के इस पुल नूं तैयार किया जाता है। इस पुल की वरतों करके अपने मंजिल से आने जाने वाले लोगों के लिए यह पुल हुण शुरू हो चुका है तो लोग इस पुल तो गुजर सकते हैं। देखो तस्वीर नंगल सिटी अपडेट के उत्ते अविनाश शर्मा के नाल। बहुत संघर्ष कर दिया बना दे पहला ढह भी गया किनिया घोड़िया या होर करना पिया पर सरकार वाल ध्यान ही है नहीं इस गल का किदा बना किदा ना बनाइए ये अपना घट्टो घट 40 पिंड लगते अद्धे पिंड लगते हुशियारपुर के बाकी अपने पिंड लगते जेडे कि टर्न लंगल नहीं करते इस करके सरकार का ध्यान होना चाहिए इधर नु बार बार बरसात हर दिन पुल फसल बनाना पैंदा खर्चा पुछो जी कोई एंगल हट गया कोई घोड़ी हट गई कोई क्या लिया क्या नहीं किया इस करके जो नुकसान है ना ये सारा बोझ साढ़े पर पैंदा सरकार तो यही मांग करते असं यही मांग करते एक पुल बना देना हाँ जेडे के 40 या 48 पिंड गए ना ये जुड़ जाने नाल बाकी साडा क्रैश रहा है बीज डाले सारे इधर नु ही है हुण जिन्ने भी मान लो फैक्ट्रियां लगियां माए जिन्ने भी बच्चे आंदे है इधरों आंदे जिहड़े घूम के आना पैंदा ते इस करके जे किते सरकार इधर ध्यान देवे ना साडे उधर मारा कैमरा वधिया गल है गुरनाम सिंह जी गुरनाम जी दस्सियो ए फ्लाईओवर तुसीं चलाया है सारे पिंड बनिया सारे पैसे कठे किए सा पिंड जाने थोड़ा जा होर मोहरी है मेहनतपुर पिंड जेडे मुंडे साडे ज्यादा इन काम किया लगातार 15 दिन हो गए काम करदे नूं 2.5 लाख रुपया साडा होर लग्या जी होर लग्या विच जेड़ा हड़ गया समान जां होर लैंदा 40 फुट पहलां नालों लंबा भी करिया अच्छा जी ते इह जेड़ा पिछली आह कुछ दिन पहला ही जिद्दां बरसात आई सी जी जी बदल फटिया सीगा तां जेड़ा पुल तुसीं बणाया सीगा तां दूसरे दिन ही हड़ गया सीगा किन्ना क नुकसान होया सी उहदे नाल मैं तुहानूं दस रिहा पे 2.5 लाख रुपया दा साडा नुकसान हो गया उस अच्छा जी उह लोकां दा सहयोग नाल फिर पैसा आया कुछ वजह आना भी है कोलों भी लाए लोकी ठीक है जी जेड़े मोहरी ज्यादा है मतलब पैसा जिन्हें को या डॉक्टर साहब ने ठीक है इन्हें को पैसा आया तो और भी है चाहिए भी है पैसे ठीक है ठीक है 2.5 लाख रुपए का नुकसान हो बाकी जो लेबर जो मेहनत करनी है और मतलब
10 जून तक चलता रहा जी। अक्टूबर च सितंबर च चला दी फिर बदल फटने करके हट गया दोबारा अक्टूबर अक्टूबर न शुरू होया। क्या कहना चाहोगे सरकार दे प्रशासन नूं क्योंकि साडे माध्यम राहीं सुणदे होणे ओह वी सरकार ते हुण कृपा करे देवे पिंड बहुत इधर ये 3-4 पिंड साडे नंगल तहसील आ साडी ठीक है जी ते नंगल तहसील जाणदा हुंदा जी हर बंदे ने ते इधरों पुल कटदे बहुत लोकां नूं फायदा होणा ठीक है। सानूं कलमा मोड़ जाके पुल पैंदा जी इधर फिर हिमाचल दा है ठीक है नहीं महतपुर ओह दूर भी पैंदा स्टेट भी इधर है नहीं ते इहदे नाल साडी गवर्नमेंट इधर करे ते असीं बड़े ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਰਾ ਲੈਂਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜੀ ਇਹ ਲੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ।